फ्रेंड्स, आज के साले वीडियो में हम बनाने वाले हैं वन पॉपुलर डिश, वो है कि फ्राइड चिकन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैंने इसे बनाया है और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये देखिए चिकन ले रखा है। तो चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है और उन्हें कुछ इस तरीके से ना यहाँ पे बीच बीच इसमें पीचेस में इसको काट के मैंने ले लिया है यहाँ पे, ताकि इसके अंदर भी मैं मसाला भर सकूँ। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चिकन के पीसेस ले रखे हैं। अब साइड में मैंने यहाँ पे ले रखा है नींबू का रस ले रखा है, दो नींबू को अच्छे से निचोड़ के। अब मसाले की बात करते हैं, तो मसाले में मैंने यहाँ पे जीरा ले रखा है, दालचीनी ले रखा है, लौंग ले रखा है और काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने तेजपत्ता ले रखा है। उसके बाद में यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना ले रखा है, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए पीसेस, यहाँ पे मैंने अदरक के ले रखे हैं और लहसुन ले रखा है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक मिक्सर ले रखा है और अब मैं यहाँ पे इस मिक्सी में सबसे पहले यहाँ पे खूब सारी फ्रेश फ्रेश इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे पुदीना डाल दूँगी और इसके अंदर लहसुन और अदरक भी साथ में डाल दूँगी इसी के साथ, और इसके अंदर अब मैं हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसके बारीक बारीक पीसेस करके कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे तेजपत्ता डाल देती हूँ और इसके अंदर दालचीनी डाल देंगे, जो भी मसाले हमने लिए थे वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे जीरा, लौंग और इसके अंदर काली मिर्च भी डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी, स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर नींबू का रस डाल दूंगी। अब मैं इसको बंद करके इसको अच्छे से पीस करके इसका पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट जो है ना वो बना के रेडी करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी आपको मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पेस्ट हमने बना के लिया है ना, वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे चिकन को लगा के ले लूँगी, ये देखिए। और इस तरह से चिकन के ऊपर मैं यहाँ पे कोट करके ले लूँगी, सारे जो पीसेस है ना उस पर अच्छे से लगा के ले लेंगे, ये देखिए। सच्ची में ये जो बहुत अच्छा लगता है, ये जो ये रेसिपी बता रही हूँ आपको, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके ले लिया है, ये देखिए जहाँ से हमने इसको कट किया था वहाँ से भी इसके अंदर भी मसाला मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भर के ले लूँगी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे सारा जो मसाला है ना उसे कोट करके लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से सेट होने के लिए इसको मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब मैंने एक पैन ले रखा है और यहाँ पे अब मैं पैन में थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही मैं यहाँ पे 3 से 4 टीस्पून यहाँ पर मैं तेल डाल दूँगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो चिकन हमने लिया था उसको मैं यहाँ पर अच्छे से फ्राई करके ले लूंगी। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पर रखा है और इसके सबसे पहले इसे थोड़ी देर के लिए हम एक साइड से सेक लेंगे लो फ्लेम पर ही। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर लीड लगा लूँगी और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक के कुक कर लेंगे हम लोग। 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे लीड को ओपन करके ले लेती हूँ और इसे एक साइड से मैंने सेक करके ले लिया है, अब दूसरे साइड से भी यहाँ पर मैं सेक करके ले लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से हम लोग पलट लेंगे, ये देखिए काफ़ी इजी है इसे बनाना, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब इसे मैंने अच्छे से घुमा करके ले लिया है, अब इसको फिर से मैं लिड लगा के ले लूँगी और इसे वापस दूसरी साइड से 5 मिनट के लिए सेक कर ले लूँगी। अब प्लेट में ना मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा बच गया है, अब मैं क्या करूँगी इसे मैंने पानी डाल के ले लिया है, उसे अच्छे से अब मैं मिक्स करके ले लूँगी और अब इस मसाले वाले पानी को मैं यहाँ पे चिकन के अंदर डाल दूँगी कुछ इस तरीके से, देखिए पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे हम,
नमक मैं यहाँ पे थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नमक पहले से ही जब मैं मसाला बनाती थी तब भी मैंने इसमें डाला है, तो इसमें हम नमक का यूज़ थोड़ा सा कम ही करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी फ्राइड चिकन बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल था ये रेसिपी, बहुत ही ईजी है ये रेसिपी बनाना। अगर आपको कम समय में कुछ टेस्टी खाना है तो आप इसे ज़रूर बना के एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी रेसिपी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। हम न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं कल शाम के 6 बजे की वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहे और मस्त रहे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।